गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का जो क्लास है वो मीडियन का हम लोग का आज पार्ट टू होने वाला है। ठीक है, पार्ट वन हो चुका है, पार्ट वन में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। बाकी पार्ट टू आज जो होगा मीडियन का, इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग टाइप से हम लोग का आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आज क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर में क्या डिफरेंट है, हम लोग मीन में सारे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो भी मीन में हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही सारा टाइप यहाँ पे आएगा। बस क्या है, मीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस क्लास निकालने के लिए सीख लेना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या डिफरेंट है। देखिए हमको पता है कि जब क्लास जहाँ से एंड होता है वहीं से ओपन होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे वैसा नहीं, कैसे देखिए 9 पे एंड हुआ और कितना पे ओपन हो रहा है, 19 पे एंड हो रहा है, 20 पे ओपन हो रहा है। ठीक है, ये अलग टाइप का हो गया। ठीक, तब इसमें क्लास कैसे अरेंज करें, क्लास को इक्वल कैसे करें, देखिए कैसे करेंगे। सो क्लास, उसके बाद में क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, जो दोनों का डिफरेंट होगा, डिफरेंट कितना का है 1 का, डिवाइड कर देंगे 2 से, इक्वल टू 0.5। 0.5 को पहले लेस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ऐड करेंगे। याद रखना है हमको इस साइड में लेस करना और इस साइड में ऐड करना 0.5 को। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, मीन में भी एक बार बतला चुके हैं। ठीक है, 0.5 है, इस साइड में लेस करना, इस साइड में क्या करना हमको ऐड करना। ठीक है, 0 में लेस कर देंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा -0.5, ऐड कर देंगे तो 9.5। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे लेस करेंगे तो 9.5, ऐड करेंगे तो 19.5, लेस करेंगे तो 19.5 और ऐड करेंगे तो 29.5, लेस करेंगे तो 29.5, ऐड करेंगे तो 39.5, लेस करेंगे तो 39.5 और ऐड करेंगे तो 49.5। ठीक है, बाकी हम लोग का फ्रीक्वेंसी 14, 10, 8, 12 और 6। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग का एक्स का जरूरत नहीं होता, बस याद रखना है मीडियन में एक्स का जरूरत नहीं, मीडियन में क्या चीज़ का जरूरत है, सी एफ का, हमेशा सी एफ निकालेंगे। ठीक है, क्लास मिल गया, एफ भी मिल गया, सी एफ निकल जाएगा, एफ से सी एफ निकलता है। 14 ऐड कर देंगे तो 24, ऐड करेंगे 8 को यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, ऐड करेंगे तो 44, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 50। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी सिग्मा एफ आएगा 50 आ जाएगा, ये दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। अब चलिए जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पे पुट आउट करेंगे हम लोग। फॉर्मूला पे क्या है हम लोग का, पहले छोटा एम इक्वल टू साइज ऑफ एन बाय टू टी एच सीरीज, यही है फॉर्मूला। एन बाय टू, देखिए एन का वैल्यू कितना है 50/2 टी एच सीरीज, एन मीन्स एफ ना, चलिए डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 25 किस में जाकर देखेंगे सी एफ में किस में आता, क्या इसमें आ रहा है, नहीं इसमें नहीं, इसमें आ रहा है। ठीक है, अब इसको पूरा हम लोग घेर देंगे। ठीक, देखिए चाहिए हम लोग को मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास मिल गया, यहाँ पे लिख देते हैं हम मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितना से कितना मिल गया हम लोग का 19.5 से 29.5, ये हम लोग का मीडियन क्लास मिल गया। ठीक है, बड़ा एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस एम माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला था ना। L1 का वैल्यू क्या है देखिए तो 19.5, L1 मीन्स लोअर लिमिट, ठीक है लोअर क्लास। एम इक्वल टू छोटा एम इक्वल टू वैल्यू मिला है ना, मिल गया कितना मिल गया 25। सी एफ इक्वल टू मतलब मीडियन क्लास का ठीक ऊपर वाला कितना है 24। एफ इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना मिल गया 8। आई इक्वल टू देखिए तो डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस हम लोग का 10 का, सब कुछ मिल गया। फॉर्मूला पर पुट आउट कर दीजिए, L1 का वैल्यू 19.5 प्लस एम का वैल्यू 25 माइनस सी एफ का वैल्यू देखिए 24, एफ का वैल्यू 8, आई का वैल्यू क्या है 10। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस इधर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि इसको कैलकुलेट आप करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेकर बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका लेंथी हो जाएगा। 19.5 प्लस यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, और 10 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 8, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करें क्या, 1 टाइम में 8 चला गया, पॉइंट हो गया, 2 टाइम में, उसके बाद 5 टाइम में, ठीक है। ऐड कीजिए यहाँ पे 19.5 प्लस 1.25, ऐड कर दें कितना हो जाएगा 20.75। ये हम लोग का आंसर, हम क्या बताए थे, जो भी मीडियम क्लास होगा उसी का बीच में कहीं भी आंसर आ सकता है। देखिए तो मीडियम क्लास कितना, 19.5 से 29.5, क्या है उसी का बीच में, हाँ इसी का बीच में आंसर हो गया, क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिफरेंट टाइप का, मोर देन लेस देन, मोर देन लेस देन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन से। देखिए क्या बोलता है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ, मार्क्स लेस देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए हम लोग जो मार्क्स लेस देन है इससे क्लास बनाना है, उसके बाद एफ निकालना है, उसके बाद फिर से सी एफ निकालना, क्योंकि हमको सी एफ चाहिए चाहिए। लेस देन कितना, लेस देन बोल रहा है 10 से कम, 10 से कम, ठीक है 10 से कम, कितना का डिफरेंट है 10 का, ले जाएंगे सीधा 10 कम, क्या हो गया 0। 20 से कम, कितना का डिफरेंट है, यहाँ पे भी 10 है, सीधा लेके जाएंगे 10, ठीक है कम, 20 से कम 10 हो गया। उसी प्रकार 30 से कम, यहाँ पे 30 से कम 10 का डिफरेंट है, कितना हो जाएगा 20। 40 से कम 10 का डिफरेंट है 30। 50 से कम 10 का डिफरेंट है 40। बन गया क्लास हम लोग का। देखिए ये सी एफ दिया हुआ, ठीक है, हम क्या बताए थे मोर देन लेस देन में सी एफ दिया रहता है, कैसे दिया रहता है, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ हम मेन में पूरा डिफाइन कर चुके अच्छे से, ठीक है, बाकी यहाँ पर हम शॉर्ट में बतलाएंगे। सी एफ बस याद रखना, मोर देन लेस देन में क्या होता है, सी एफ होता है, सी एफ से क्या निकालना है, एफ निकालना। एफ कैसे निकालेंगे, छोटा वैल्यू, छोटा क्या है 3, या तो छोटा इधर होगा या तो इधर होगा 3 है। अब 8 को, 8 में से 3 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 5, 15 में से 8 को माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 7, 27 में से 15 को लेस कर देंगे क्या बचेगा 12, और 30 में से 27 को 3, क्लियर है यहाँ पे। अब फिर से सी एफ निकाल दीजिए, सी एफ निकालेंगे क्या हो जाएगा 3, 8, 15, 27 और 30, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये वाला देख के छाप देना, मोर देन है काम, सॉरी लेस देन है काम, चल गया, मोर देन रहेगा तो आपका गलत आ जाएगा, सी एफ अगर यहाँ वाला छापते हैं तो, ठीक है, इसीलिए आपको एफ निकाल लेना है, एफ के बाद में सी एफ निकालना है, ठीक है, गलत कैसे आएगा वो मोर देन में देखेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सब कुछ हम लोग का मिल गया, अब सिग्मा एफ इक्वल टू 30 ऐड कर लीजिएगा, इक्वल आ जाएगा हम लोग का। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, छोटा वाला एम इक्वल टू साइज ऑफ एन बाय टू टीएच सीरीज, यही होता है ना। देखिए एन क्या मिला है, 30 मिल गया हम लोग का, 30 बाय टू डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15। मीडियन क्लास क्या होगा 15, देखिए तो मीडियन क्लास हम लोग क्या होना चाहिए 15 15, अरे देखिए 15 आ गया, मीडियन क्लास से निकल जाएगा हम लोग का, मिल गया मीडियन क्लास, ठीक है। अब देखिए बड़ा एम इक्वल टू क्या है, एल वन प्लस एम माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई, यही फॉर्मूला है ना। चलिए मीडियन क्लास हम लोग का जो हुआ वो मीडियन क्लास इक्वल टू क्या क्या वैल्यू मिला, सो देखिए यहां पे लिख देते हैं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इक्वल टू 20 से 30, एल वन इक्वल टू 20, एम इक्वल टू 15, एफ इक्वल टू क्या मिल गया 7 मिल गया, सी एफ इक्वल टू ठीक ऊपर वाला क्या है 8 है, आई इक्वल टू डिफरेंट कितना का डिफरेंट है 10 का। पुट आउट कीजिए, एल वन 20, एम 15, सी एफ 8, एफ 7, आई 10, 20 प्लस माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 7 इंटू 10, यही है ना। देखिए डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम में चला गया,
ट्वेंटी प्लस टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्टी हम लोग का आंसर है, क्या हो गया हम लोग का मीडियन। क्लियर हो यहाँ पे? चलिए इसको कॉपी कीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करेंगे। देखिए सिक्स में क्या बोल रहा है, बोल रहा है मोर देन और सी एफ। हमको पता है लेस देन हो या मोर देन हो उसके साथ में क्या दिया होता है, सी एफ। ठीक है, मोर देन बोला, ठीक है, मोर देन कितना, टेन। मोर देन से क्लास कैसे निकालते हैं, बस क्लास निकालने के लिए हम सिखाएंगे, एफ और सी एफ निकाल देंगे, बाकी पूरा सॉल्व करना आपको। ठीक है, मोर देन से सबसे पहले क्लास निकालते, क्लास कैसे निकालें, मोर देन कितना बोला, दस से अधिक, दस से अधिक, बीस से अधिक, तीस से अधिक, बस डिफरेंट देखना, डिफरेंट कितना का सब में, टेन का ही, दस से अधिक, दस से अधिक ले जाएंगे कितना, टेन, कितना हो जाएगा, ट्वेंटी, बीस से अधिक, दस का डिफरेंट है तीस, तीस से अधिक चालीस, चालीस से अधिक पचास, और पचास से अधिक कहाँ पे चला जाएगा, साठ। उसके बाद क्या निकालना, एफ निकालना। ठीक है, एफ कैसे निकालते, छोटा वैल्यू लेते, ठीक है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, यहाँ पे है, याद रखना मोर देन में छोटा इधर होगा और लेस देन में छोटा ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, वन, फोर में से वन चला गया थ्री, सिक्स में से फोर टू, एट में से सिक्स टू, टेन में से एट टू, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, सी एफ निकालेंगे। ये वाला सी एफ उठा के नहीं लिख देना, बार बार बता रहे हैं, उस टाइम से ही बता रहे हैं हम। ठीक है, इस सी एफ को अगर उठा कर लिख देते हैं गलत हो जाता है। कैसे, देखिए अब सी एफ निकालेंगे, टू, टू में से ऐड करेंगे टू को फोर, फोर में से टू का ऐड करेंगे सिक्स, सिक्स में से थ्री का ऐड करेंगे नाइन, नाइन में से वन को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, टेन। सिग्मा एफ इक्वल टू टेन। ठीक है, देखिए तो क्या यही सी एफ है, नहीं चेंज हो गया सी एफ, सी एफ ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक, अब आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। याद रखना मोर देन में क्लास निकालना है, क्लास से एफ, उसके बाद सी एफ से एफ निकाल लेना, एफ से फिर सी एफ निकाल देना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, मिड वैल्यू। बाकी देखिए इसका आंसर आप बना के देखिएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे होंगे। देखिए मिड वैल्यू से क्लास कैसे निकालते हैं, क्लास निकालने के लिए बस आपको सिखा रहे हैं, मीन में सब सिखा चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखेंगे डिफरेंट कितना का है, कितना का डिफरेंट है, 100 का डिफरेंट है ना। अब इस 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस 50 में से पहले 50 को लेस करेंगे, उसके बाद ऐड करना, याद रखना ये जो 50 आया, इस 50 को पहले इसमें लेस करना, उसके बाद क्या करना, ऐड करना, पर क्लास निकल जाएगा। लीजिए 50 में से 50 लेस कर देंगे जीरो, 50 में से 50 को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, 100। फिर 150 में से 50 को लेस कर देंगे तो 100, ऐड करेंगे तो 200। उसी प्रकार यहाँ 250 में से 50 लेस करेंगे तो 200, ऐड करेंगे तो 300, लेस करेंगे तो 300, ऐड करेंगे तो 400, बाकी इसमें से 50 लेस करेंगे तो 400, ऐड करेंगे तो 500, लेस करेंगे तो 500, ऐड करेंगे तो 600। क्या क्लास अरेंज हो गया, देखिए 100 100 200 200 ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, बाकी क्या है मेरा, एफ है फ्रीक्वेंसी, 4 6 10 10 7 5। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अब सी एफ, सी एफ निकाल लीजिए, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, देखिए आंसर कितना आ जाएगा, 3 10। क्लियर हुआ यहाँ पे? बाकी अब दो क्वेश्चंस और बतलाते हैं फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या बोला, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फ्लोइंग इफ द मीडियन इज 18.5। मीडियन आपका दे दिया, कितना दे दिया, 18.5। ठीक है, जब भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो आपके पास में मीडियन दिया ही रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया हो साइज और फ्रीक्वेंसी, साइज देखिए 6 से 10 11 से 15, बस वही बात हो गया फिर से कि क्लास इक्वल अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करेंगे। डिफरेंट कितना का, 1 का, डिवाइड कितना से करेंगे, 2 से 0.5, पहले इधर लेस करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे, पहले क्लास अरेंज करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास निकालते हैं, इधर लेस करना 0.5, इधर क्या करना, ऐड करना। ठीक है, लेस कर दीजिए क्या हो जाएगा, 5.5, ऐड करेंगे 10.5, यहाँ लेस करेंगे 10.5, ऐड करेंगे 15.5, लेस कर देंगे 15.5, ऐड कर देंगे 20.5, लेस करेंगे 20.5, अगर 25 में से ऐड करते हैं तो 25.5,
लेस करेंगे तो 25.5, ऐड करेंगे तो 30.5। क्लियर यहाँ पे? बाकी आपके पास में एफ दिया हुआ है, एफ देखिए क्या क्या दिया हुआ आपके पास, 15, 30 वाट, उसके बाद में 40 और 10, यही दिया हुआ है। ठीक है, इस वाट को यहाँ पे एफ लिख दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, सी एफ। बिना क्वेश्चंस पढ़े पहले सी एफ तो निकाल दे आप। चलिए सी एफ निकालते फटाक से। सी एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 ऐड करेंगे तो 45, यहाँ पे 45 प्लस एफ, नंबर प्लस वेरिएबल अलग अलग ऐड होगा, यहाँ पे हो जाएगा 85 प्लस एफ, यहाँ ऐड कर देंगे 95 प्लस एफ। यहाँ पे निकालिए सिग्मा एफ इक्वल टू, देखिए कितना होगा, 30, 45, 45, 85 और यहाँ पे 95, 95 प्लस एफ। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब क्लास भी अरेंज हो गया, सब कुछ अरेंज हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मीडियन। छोटा एम इक्वल टू, सबसे पहले निकालते ना छोटा एम इक्वल टू आप निकालिए। बाकी देखिए यहाँ पे आपका मीडियन कितना दिया हुआ, 18.5। हम आपको क्या बताए थे, मीडियन जो होगा वो मीडियन क्लास में ही होगा। ठीक है, जो मीडियन क्लास होगा उसी का कोई एक नंबर हो जाएगा जो हम लोग क्या कहलाएगा, मीडियन। तो अब यहाँ पे मीडियन क्लास हमको कैसे निकाल, क्या छोटा एम निकाल के निकालना है? नहीं, यहाँ मीडियन दे चुका है। आप देखिए कौन सा क्लास में आता है, देखिए तो 18.5 किस में आता है, इसमें तो आता नहीं है, इसमें भी नहीं आता, इसमें आता है। ये हो गया आपका मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास क्या मिल गया, मीडियन क्लास। बस याद रखना है मीडियन क्लास कैसे निकालना है, यहां पे जो वैल्यू दिया हुआ उसी का बीच का ही हो जाएगा, वहां पे उसको निकाल के नहीं निकालना, वरना आप गलत कर दीजिएगा। ठीक है, बस याद रखना आप लोग का, जो आप लोग का मीडियन होता है वो मीडियन क्लास का ही कोई नंबर होगा। ठीक है, तो मीडियन क्लास कितना हो गया, 15.5 से 20.5। L1 इक्वल टू 15.5, F इक्वल टू देखिए तो F ही दिया हुआ है, CF इक्वल टू ठीक ऊपर वाला कितना है, 45। बाकी और I चाहिए, I इक्वल टू क्या है, डिफरेंट 5 है। सब कुछ मिल गया हम लोग के पास में। छोटा m निकालते, छोटा m कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ n बाय 2 TH सीरीज, यही ना साइज ऑफ एन का वैल्यू देखिए क्या मिल गया है, 95 प्लस 5/2 TH सीरीज। डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड कीजिए कितना टाइम में चला जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 4, यहाँ पे 7.5 प्लस 0.5 एफ होगा। अगर एफ को डिवाइड करेंगे, जो 2 डिवाइड है 95 के लिए भी और एफ के लिए, जैसे देखिए 95/2 प्लस एफ डिवाइड बाय 2, यही है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे 47.5 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.5 है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, बड़ा एम इक्वल टू L1 प्लस एम माइनस सी एफ बाय एफ इन टू आई। क्लियर है यहाँ पे? अब चलिए यहाँ पे सारा वैल्यू पुट आउट करते, देखिए मीडियन इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोग पास में, 18.5 इक्वल टू L1 इक्वल टू क्या है, 15.5 प्लस M इक्वल टू क्या मिल गया, 47.5 प्लस 0.55 माइनस CF इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, देखिए तो CF इक्वल टू 45 डिवाइड बाय F इक्वल टू वैल्यू क्या है, F इक्वल टू F ही है और I इक्वल टू क्या मिला है, 5। ऐसा नहीं मिसिंग वैल्यू, तो यहाँ पे F जो है वही होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एफ इक्वल टू क्या आ गया, एफ ही आया। चलिए अब देखिए तो 18.5 में से इसको इधर लेकर आ जाएंगे, 15.5 इक्वल टू इसको इसमें माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देखिए तो माइनस हो जाएगा ना आराम से, 2.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय एफ इन टू 5। क्या ये जो 5 है दोनों में से इंटू है या नहीं है, दोनों को इंटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे f है ना, f रहेगा, माइनस करेंगे क्या बचेगा, 3 इंटू कर देंगे तो 12.5 इसको इंटू करेंगे। ठीक है, बाकी इसको इंटू करेंगे तो प्लस 2.5f डिवाइड बाय f। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, आराम से होगा। क्या हो जाएगा देखिए तो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
एफ को इंटू करेंगे थ्री से, तो थ्री एफ इक्वल टू इधर क्या है 12.5 प्लस 2.5, यही है ना। बाकी देखिए 3f में से इसको इधर लेकर आ जाएंगे माइनस 2.5f प्लस में, तो इक्वल टू क्या बचेगा 12.5। चलिए माइनस कर दीजिए, देखिए क्या बचता है, हम लोग को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 0.5f इक्वल टू 12.5। अब f इक्वल टू 12.5 को डिवाइड कर देंगे अगर 0.5 से, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया खत्म हो गया, कितना बार में चला जाएगा 25 बार में, तो एफ इक्वल टू क्या मिल गया 25। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या मिला है 25। अब आपको वेरीफाई करना है कि आंसर मेरा सही है गलत है, तो यहाँ पे आप 25 पुट आउट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जब आपका 18.5 आ जाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वरना क्या है गलत है। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हम लोग सीखेंगे एक डबल मिसिंग का क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। चलिए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है डबल मिसिंग है, ठीक है। अभी तक तो सिंगल मिसिंग पढ़ रहे थे, अब डबल मिसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मीडियन फार्मूला, मतलब आपको मीडियन फार्मूला यूज करके बनाना है, ठीक है। इफ द मीडियन इज 110, ठीक है, बाकी द टोटल फ्रीक्वेंसी 100, आपको टोटल फ्रीक्वेंसी साथ में देगा, जब तक टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं देगा तब तक आपका सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। इसी क्वेश्चन में देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी दिया, यहीं पे हम सी एफ निकाल देते हैं, फिर से नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां देखिए एक मिसिंग यहां पे, तो इसको क्या मान लेते हैं एफ वन मान लेते हैं, एक मिसिंग यहां पे इसको क्या मान लेते हैं एफ टू मान लेते हैं, ठीक है। चलिए सी एफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 6 ऐड कर देंगे 15, बाकी ऐड करेंगे 15 प्लस एफ वन, यहाँ पे ऐड कर देंगे 29 प्लस एफ वन, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 49 प्लस एफ वन, यहाँ ऐड करेंगे तो 49 प्लस एफ वन प्लस, अब अलग से एफ टू ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए तो 59 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, यहाँ पे हो जाएगा 67 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, बाकी आगे देख लीजिए 74 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिए। बाकी यहाँ पे सिग्मा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 74 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए सही ऐड हुआ है नहीं हुआ है सो। अब चलिए अब हम लोग के पास में मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन देखिए उससे पहले मीडियन क्लास आखिर में है तो है कौन, तो मीडियन क्लास फिर से वैसे ही, मीडियन कितना 110 है, तो 110 किस क्लास में आता है उसको देखना है। मीडियन आपका दे चुका है ना, कि आपको यहाँ पे छोटा एम निकाल के निकालना है, ठीक है। देखिए किस में आता है, देखिए तो 110 110 110 इसमें, ये आपका पूरा हो गया मीडियन क्लास कि नहीं हुआ। चलिए मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इक्वल टू क्या मिल गया 100 से 120 हमको चाहिए L1, L1 इक्वल टू 100, छोटा है वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मिल जाएगा। बाकी CF ठीक ऊपर वाला कितना 29 प्लस F1, बाकी क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना है 20, क्या चाहिए I इक्वल टू कितना है 20, ठीक है। चलिए छोटा m इक्वल टू यहीं पे फॉर्मूला बिठाते हैं, साइज ऑफ n बाय टू TH सीरीज, देखिए तो n टोटल कितना मिल गया 74 प्लस एफ वन प्लस एफ टू डिवाइड बाय टू TH सीरीज, इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ये जो टू डिवाइड है इसके लिए सबके लिए, ठीक है, सभी को डिवाइड कर देते कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 प्लस 0.5 एफ वन प्लस 0.5 एफ टू, आगे डिवाइड करके, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट आउट करेंगे किसका, मीडियन का, बड़ा एम इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस एम माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई, मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए तो 110 इक्वल टू L1 का वैल्यू क्या मिला है 100
प्लस छोटा एम क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया कितना है 37 प्लस 0.5 F1 प्लस 0.5 F2 माइनस CF का वैल्यू कितना मिला 29 प्लस F1 यही है, यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे ठीक है, डिवाइड बाय F का वैल्यू 20, यहाँ पे I का वैल्यू कितना है ये भी 20 है। चलिए अब सारा कुछ हम लोग को अब मिल गया, अब देखें यहाँ पे चेंज थोड़ा सा क्या करेंगे, सो यहाँ देखिए सिग्मा एफ इक्वल टू इतना वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है ना हम लोग का निकालें, बाकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 100, तो यहाँ देखिए तो सिग्मा एफ टोटल कितना 100 74 प्लस F1 प्लस F2 ठीक है। देखिए इसको इधर लेकर आ जाएंगे 100 माइनस 74 इक्वल टू F1 प्लस F2, बाकी इसको माइनस कर दें कितना बचेगा 26 इक्वल टू F1 प्लस F2, अब किसी एक के इक्वल टू में कर दीजिए ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं 26 F2 को इधर लेकर आ जाएंगे माइनस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा F1, F1 के जगह पे अब क्या वैल्यू पुट कर देंगे 26 माइनस F2 क्योंकि यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिए 110 है, 110 में से अब क्या माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ पे अब 110 है, 110 में इसको इधर उठा के लगाते हैं 100 इक्वल टू, देखिए जो माइनस होगा माइनस कर देंगे, जो प्लस होगा उसको प्लस कर देंगे ठीक है। 37 प्लस 0.5 F प्लस 0.5 F2 माइनस है माइनस 29 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस F1 क्लियर है, डिवाइड बाय 20 इंटू 20, क्या ये 20 यहीं पे काट दीजिए ना, 20 से 20 ऑटोमेटिक क्या हो गया कैंसिल हो गया ठीक है। देखिए यहाँ क्या बचेगा 10 इक्वल टू इसमें से ये माइनस होगा कि नहीं होगा, आराम से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 8 प्लस 0.5 F2 को पहले लिख दे, क्यों यहाँ पे देखिए माइनस है माइनस हो जाएगा आपस में, 0.5 प्लस में है और 1 यहाँ पे 1 छुपा हुआ ना माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.51 इसमें से माइनस कर दी, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए हम क्या बोले F1 इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गया 26 माइनस F2, चलिए इसी वैल्यू को पुट आउट करेंगे, F1 इक्वल टू ये यहाँ पे F1 है ठीक है। अब 10 के इधर लेकर आ जाते हैं, 10 माइनस 8 फिर से आ गया, क्या बचेगा 0.5 F2 माइनस 0.5 F1 जगह पे क्या मिला हम लोग का 26 माइनस F2 इंटू कर दे, अब पटाख से इंटू कीजिए, यहाँ पे क्या बच गया 2 इक्वल टू 0.5 F2, अब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 13 हो जाएगा, इंटू कर देंगे 0.5 से तो ठीक है, बाकी इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.5 F2 2 इसको इधर उठा के लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 13 ठीक है, और 0.5 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 F2, आप लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए तो 15 इक्वल टू F2 और इसीलिए F2 इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गया 15 क्लियर, यहाँ पे F2 का वैल्यू मिल गया हम लोग का 15। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो हम लोग का इक्वेशन आ गया इस इक्वेशन को उठा के उधर लिख दीजिए, F1 का वैल्यू नहीं मिलेगा आप लोग के पास में, देखिए क्या है 26 माइनस F2 इक्वल टू F1 26 माइनस F2 का वैल्यू क्या मिला 15 इक्वल टू F1 माइनस कर देंगे 11 इक्वल टू F1 इसीलिए F1 इक्वल टू 11 F2 इक्वल टू 15 ये हो गया आपका डबल मिसिंग का वैल्यू ठीक है। अब दोनों को ऐड करके देखिए 26 आना चाहिए, यहाँ पे भी देखिए कितना का डिफरेंट था F1 प्लस F2 का 26 आ गया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ भी डाउट है कि आंसर मेरा गलत आ रहा है, तो F1 और F2 का वैल्यू यहाँ पे दोनों में पुट कर लीजिए और बाकी सॉल्व कीजिएगा तो आपका मीडियन कितना आना चाहिए 110, तब आपका क्या हो गया बिल्कुल राइट, मीडियन पूरा कंप्लीट हो चुका है ठीक है। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में हो उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, सारे टाइप का क्वेश्चंस हम करवा दिए ठीक है।